शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। केसरिया वालों आओ हमारे देश। गलत सोच के थारे को दुखी होने की जरूरत ना है। कैसे जरूरत ना है मासा? इसी के चलते मारी सारी आस्था पर पानी फिर गया, पर मैं भी चुप ना बैठने वाली। मैं आज ही उस तीर्थ स्थान के दर्शन करके आऊंगी जहां से मारे को संतान प्राप्ति का वरदान मिला था। मारे को तो पहले से इस प्रथा पे विश्वास ना था, पर चंचल की जीत के आगे मान गई। पर मारे को आचार्य जी की बात पे पूरा भरोसा है, आज नहीं तो कल थारी को जरूर पड़ेगी बेटा। ने फोन करके उन्हें ये खुशखबरी सुना दी थी। मैं तो ऐसी अभागन बेटी हूं जो अपने माँ बापू को ये खबर भी ना दे सकूं कि मैं माँ बनने वाली हूं। विशाल बेटा, अरे थारी इस खबर दे तो मारे बुढ़े शरीर में जान फूंक दी। बेटा सदा सुखी रहो, मारी तो भगवान से यही दुआ है कि मारी दोनों छोरियां ने सदा खुश रखे। विशाल बेटा, तो ठीक तो है ना? हाँ बापू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और थारी जीजी? बापू, जीजी भी ठीक है, अठे ही हमारे साथ। लीजिए बात कीजिए उनसे। बापू, सुन रहे हो ना? हाँ बेटा, बस खड़ा दिल बात थारी आवाज सुनी तो यूं ही बस। बेटा रुक भी, कुछ दिन पहला मैं एक सपनों देखियो, सपना में तेरे बहुत कराते देखी, मैं थारे दर्द को महसूस भी कियो। बेटा तू सच में ठीक है ना? सपनों पर विश्वास न करो बापू। आपकी छोरी बिल्कुल ठीक है बापू। ठीक है बापू। किसु किसु कैसो है? अरे हाँ बेटा, किसु तब स्कूल भी जाने लगे हुए, खेत में भी मारो हाथ बटाने लगे हुए। अरे घर आकर के मेरे पतो चाले को कि थे दोनों फोन क्यों थो, तो न जाने घर में क्या उधम मचाएगा।
जब वो लौटे बापू तो उससे कहना कि उसकी दोनों बहनें उसे बहुत याद करती हैं। अब मैं फोन रखूं? ठीक है। अरे ऐसा क्या कह दिया उस करमजली रुक्मी ने जो आपके आंसू ही ना रुक रहे हैं? अरे कम से कम मारी रसाल की खुशखबरी सुनकर जरा खुशी तो दिखाओ आप। रसाल जी जी, रसाल जी जी रो फोन आया तो लाओ मारे को भी फोन दो, मारे को भी रसाल जी जी इस बात। अरे बेटा, अब तो थारे को बैठे जाकर ही दोनों का हाल चाल पता करना होगा। और बापू आप रक्षाबंधन के दिन मुझे ठीक है ला दूंगा। सच भाभी सा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अरे तुम्हारे को ऐसे फोन पर ही मुबारकबाद देवेगी? नहीं भाभी सा, मैं लौटते ही मोहित के साथ आकर आपसे मिलूंगी। भाई सा को मेरा प्यार देना। मुमल तो अपना ख्याल रखना, थारे भाई सा थारे को बहुत याद करे। और हाँ, राखी पर आना ना भूलना। जरूर भाभी सा, अगर तब तक मोहित को अपने काम से फुर्सत मिल जाए तो जरूर आऊंगी। जे तू राखी पर अठे आवेगी तो हम सपने गणी खुशी होगी मुमल। मुझे भी भाभी सा, रखती हूँ। ठीक है। मोहित, मोहित क्या हुआ, कोई परेशानी है, कुछ छुपा रहे हो मुझसे? नहीं मोमन, ऐसी कोई बात नहीं है। मोहित, हम दोनों ने शादी की है, तुम्हारे सुख और दुख में तुम्हारा साथ देने का वचन लिया है। मुझसे अपनी परेशानी ना बांटकर मुझे पराया जैसा एहसास मत दिलाओ मोहित। नहीं मम्मा, ऐसी बात नहीं है। प्लीज मोहित, मुझसे अपनी परेशानी शेयर करो। सच कहूं तो मुमल, मैं तुमसे बात इसलिए छुपा रहा था ताकि तुम इस बात से दुखी ना हो जाओ कि मैं जिस काम में भी हाथ डालता हूं मुझे उसमें कामें भी नहीं मिलती। पहले के नुकसान से उबर नहीं पाया, फिर से नुकसान। एक बैंक मैनेजर ने आश्वासन दिया है कि लोन मिल जाएगा, अगर नहीं मिला तो? मोहित, तुम जिस मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहे हो तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। तुम्हारी इस कामयाबी की जंग में मैं कंधे से कंधा मिलाकर लड़ती रहूंगी। बाप रे, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बीबी इतनी लड़ाकू है। जी जी, आप हमारी खुशी का अंदाजा भी ना लगा सको। हमारे को तो समझ में ना आ रहा है कि जब से हमारे को पता चला है कि मैं फिर से माँ बन सकूं, मैं इतनी खुश हूँ कि मैं क्या बताऊँ आपको। और मैं बता ना सकूं कि मैं माँ बन चुकी हूँ, पर डर तुम्हारे को इस बात का है कि जब थारे को असलियत का पता चलेगा तो थारे पर क्या गुजरेगी। और जी जी, कट्ठे खोए हो आप, मैं तो कब से बोले जा रही हूँ। हाँ मैं सुन रही हूँ। मैं सोच रही थी कि आज पूर्णिमा है तो थारे और मारे वास्ते मंदिर में प्रार्थना कराऊं। हाँ जी जी, आप जाओ और रसोई की चिंता बिल्कुल ना करना, मैं संभालूंगी। काश मैं भी आपके साथ जा सकती, लेकिन रसोई को लेकर कोई आपसे कुछ कहे मैं ऐसा ना चाहूं। मैं जल्दी आऊंगी। ठीक है जी जी। रुक्मिणी अकेले मिलकर उसके अंदर ये डर पैदा करना चाहता था कि गलती से भी रणवीर का नाम ना ले कि रणवीर उसके बच्चे का बाप है। चलो
ये बात बताने के लिए मंदिर से अच्छी जगह ना हो सके। हे भगवान, मैं अपनी रसाल की खुशी ने देख अपनी सारी पीड़ा भूल जाऊंगी और सदा के लिए रसाल और ठाकुर साहब के जीवन से बहुत दूर चली जाऊंगी, जहां दीप सिंह नाम का साया भी मारे को ढूंढ ना सके। रुक्मी, रुक्मी, मैं जानता था पूर्णिमा के दिन तुम इस मंदिर में जरूर आओगी। तो कहीं आया है अट्याश? तो तुमसे मिलने कहां जाता? हवेली में जाना तो दूर की बात है, तुम्हें फोन करने से भी तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी हो सकती थी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता था, इसीलिए मैं यहां आ गया। मैं बस जानना चाहता था कि तुम ठीक तो हो। मैं बिल्कुल ठीक हूं आशा। तुमने मुझसे झूठ बोलकर अपना दर्द छुपाकर ये तो साबित कर दिया कि तुम ठीक बिल्कुल नहीं हो। जिस दर्द को अपने दिलो दिमाग में लिए हो, तुम ठीक कैसे हो सकती हो? जिसे दर्द होवे है आशु, उसे सहने की ताकत भी आ जावे। अपने दर्द को दोस्त के साथ बांटने से दर्द कम होता है। ना आशु, मैं अपने दर्द का एहसास थारे को ना दिला सकूं, लेकिन मैं तुम्हारे दर्द को महसूस कर सकता हूं। रुक्मी, अस्पताल में तुम परेशान थी, इसीलिए मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछा, लेकिन आज मैं जानना चाहता हूं, तुम उनमें से नहीं हो जो किसी के भी साथ रिश्ता बना ले। तुम सिर्फ रणवीर से प्यार करती हो और ये मैं जानता हूं, पर तुम खुद भी रणवीर के करीब नहीं जाना चाहोगी, क्योंकि तुम्हारी बहन रसाल रणवीर की पत्नी है, इसीलिए तुम जानबूझकर रसाल और रणवीर के बीच दीवार नहीं बनना चाहोगी। इसीलिए जाहिर है कि किसी ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है। शायद वो इसी परिवार में से है। यही सच है रुक्मी। उस रोज होटल रूम में भी तुम खंजर लेकर आई थी। कोई ना कोई खतरा जरूर है। बोलो रुक्मी, कौन है जो तुम्हारी जिंदगी में जहर घोल रहा है? रुक्मी, तुम माँ बनने जा रही हो और ये सच आज नहीं तो कल हवेली वालों को पता चल ही जाएगा। कोई साथ नहीं देगा तुम्हारा। अरे जब शक के बिना पर वो तुम पर कोड़े बरसा सकते हैं तो पता नहीं ये सच जानकर वो तुम्हारे साथ क्या कह ढाएंगे। बोलो रुक्मी, तुम क्यों चुप रहकर उस गुनहगार के किए पर पर्दा डालना चाहती हो? बोलो रुक्मी। रुक्मी, मैं तुम्हें बदनामी की आंच से बचाना चाहता हूं। बोलो, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाकर ही चैन लूंगा। बोलो रुक्मी, तुम चुप क्यों हो? अरे साथ जो हुआ, अरे साथ जो हुआ आशु, मैं को ना बता सकूं। तुम्हारे पर जोर मरता है।
तुम अपना दर्द नहीं बांटना चाहती हो ना, ठीक है, मैं हवेली जा रहा हूँ और मैं वहां रसाल से पूछूंगा कि वो पता लगाए कि किसने तुम्हारे साथ ये घिनौनी हरकत की है। ना अशोक, तू रसाल ने कुछ ना बोलेगा, वरना हमारी बहन टूट जाएगी। बोलो रुक्मी, वो आदमी कौन है जिसने तुम्हें अपमानित किया है? कौन है जो तुम्हारी जिंदगी में जहर घोल रहा है? बोलो रुक्मी, बोलो, बोलो रुक्मी, प्लीज रुक्मी बोलो। चुप क्यों हो रुक्मी? बोलो रुक्मी, वो आदमी कौन है? रुक्मी बोलो, बोलो रुक्मी, बोलो रुक्मी, बोलो। रणवीर, रणवीर ने तुम्हारे साथ? पर ठाकुर साहब को खुद कुछ ना पता। क्या? हाँ, वो बहुत ही भयानक और तूफानी रात थी। उस रोज घर में कोई भी ना था, सब लोग मंदिर गए हुए थे और ठाकुर साहब नशे में था? क्या उसे कुछ भी याद नहीं? उसे किसने हक दिया है तुम्हारी इज्जत के साथ खेलने का, जबकि उसने तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारा तक नहीं? अब मैं देखता हूं हवेली वाले उसे क्या सजा देंगे। मैं देखता हूं, किसी को सजा मिलेगी तो वो हमारी बहन को मिलेगी। आशु, अभी अभी तो उसने उसने फिर से मां बनने के सपने सजोए हैं। तू तुम्हारे को वचन दे, तू किसी को कुछ ना बताएगा। रुक्मी, ये तुम क्या कह रही हो? अठे आशु, अठे हाँ। मैं भगवान को साक्षी मानकर कसम खाऊ हूं कि मैं मर जाऊंगी, ये सच्चाई कभी ना बताऊंगी कि मारी कोठी ठाकुर साहब का बच्चा है। मरने वचन दे आशु कि ये सच तू अपनी जबान पर कभी ना लाएगा। वचन दे मरने आशु। वाह, के
क्लाइमेक्स बनी है मारी कहानी को। अब तुम्हारे को 500% यकीन हो गया है कि रुक्मी के जुबान पर रणवीर का नाम ना आवेगा और ना ही उसके आंसू का। जलदीप सिंह, कल तक जो रिपोर्ट दिखाने के लिए तू डर रहा था वो आज सबके सामने रख देता हूँ।